अपना परिचय बताइए। स्वामी सीताराम शरण जी महाराज चित्रकूट, राष्ट्र बचाव आंदोलन, राष्ट्रीय संघ। आप राष्ट्र बचाओ आंदोलन के बारे में कुछ ऐसा बताइए जिससे लोग इससे प्रभावित। ठीक है। राष्ट्र बचाओ आंदोलन, क्योंकि पूरी विश्व में अगर कोई राष्ट्र है तो सिर्फ भारत है, और भारत में भारतीय संस्कृति पूरे विश्व में अलौकिक संस्कृति है। पूरे विश्व में मानवता का रक्षा तभी हो सकता है जब ये भारतीय संस्कृति बचेगा। पूरे विश्व में जिस धर्म की व्याख्या को लेकर हम जानते हैं कि धर्म सबकी आवश्यकता है, पर धर्म भी तभी बचेगा पूरे विश्व में जब तक भारतीय संस्कृति बचेगा। और भारत में ही भारतीय संस्कृति दिखाई देता है। हम वासी उस देश के जहाँ पार ब्रह्म का खेल, दिया जले अगम का बिन बाती बिनते, परमात्मा भी अगर आते हैं तो इसी भारत और भारतीय संस्कृति को चुनते हैं। इसीलिए जब हम राष्ट्र की चर्चा करना छोड़ देते हैं तो निश्चित है कि हमारा अखंड भारत भारत में बदल जाता है और एक ही देश कई टुकड़ों में दिखाई देने लगता है। तब जब हम इस भारत माता को माता कहकर नहीं बुलाने लगते हैं, तब इसीलिए मुझे लगा कि राष्ट्र बचाने के लिए आंदोलन ये लगातार सतत चलते रहना चाहिए और अनवरत चलते रहना चाहिए। जिनके अंदर राष्ट्रभक्ति के साथ साथ भारतीय संस्कृति लबालब भरा हुआ दिखना चाहिए। इसमें आगे राष्ट्र बचाओ आंदोलन में आगे किस तरह के निर्णय लेने वाले? राष्ट्र बचाओ आंदोलन में एक प्रकार के निर्णय नहीं, कई प्रकार के निर्णय आते रहेंगे जब जब हमको ये समझ में आएगा कि वास्तव में क्या जनसंख्या नियंत्रण कानून आवश्यक है। तो हम जनसंख्या नियंत्रण कानून के लिए पूरे देश में आंदोलन करेंगे। हम जन जन में जाएंगे, घर घर में जाएंगे और बताएंगे कि हम दो, हमारे दो तो होगा पर सबके दो भी होगा। ये नहीं होगा कि हम दो हमारे दो और उधर अल्लाह दिया तो आने दो, ये नहीं होगा। सबके लिए जनसंख्या नियंत्रण कानून आवश्यक होगा। सबके लिए एक देश एक राष्ट्रभाषा, अलग अलग भाषा नहीं, हमारी राष्ट्रभाषा एक होनी चाहिए। साथ में एक शिक्षा बोर्ड, ऐसा नहीं होगा कि मदरसा के लिए अलग कानून तैयार होगा और हमारी संस्कृत के लिए कोई बोर्ड नहीं होगा। इसलिए एक शिक्षा बोर्ड होगा। आने वाला समय में एक न्याय संहिता के लिए हम आंदोलन करेंगे, एक प्रशासनिक संहिता, एक नागरिक संहिता, एक राष्ट्रभाषा, एक संख्या, कई ऐसे अभियानों को लेकर राष्ट्र बचाओ आंदोलन चल रहा है जो आज के समय में झारखंड प्रदेश में आज प्रदेश समिति का विस्तार है, कल से लेकर परसों तक बिहार में विस्तार है, तो प्रत्येक राज्य में ऐसा विस्तार दिख रहा है और प्रत्येक जिलों में। इस माध्यम से हम साप्ताहिक सत्संग मंडल, साप्ताहिक मिलन केंद्र और कई क्षेत्रों में अभी झारखंड से गुरुकुल की स्थापना और निःशुल्क शिक्षा कोचिंग सेंटर भी प्रयास चल रहा है। अब देखते हैं भगवान और लोगों की सहयोग से कितना सफलता मिलता है। आपके पोस्टर में हमने लिखा देखा है एक देश एक मजदूर संहिता, जिसके बारे में आप बताएंगे? हाँ, उसको एक श्रम संहिता भी कह सकते हैं, है ना। जब हम मजदूर की बात करते हैं पता नहीं कितने प्रकार के भेदभाव समझ में आता है। गरीब गरीब ही रह जाता है। उसको उठाने के लिए जब हम एक मजदूर संहिता की बात करेंगे तो शायद एक गरीब तबके का लोग भी एक समान स्तर पर आ सकता है। अब हम इनसे सवाल करना चाहेंगे कुछ। आपका परिचय? अंकिता श्री, मेरा परिचय हुआ, मैं भी राष्ट्र बचाओ आंदोलन से जुड़ी हूँ। आज तय होना है कि हम आगे की क्या हमारी रणनीति होगी, कैसे हम लोग अपनी कार्य व्यवस्था को और आगे कैसे और कहाँ तक लेके जा सकते हैं। आप जब राष्ट्र बचाओ आंदोलन से जुड़ी, आपको क्या ऐसा खास लगा जिसकी वजह से आप राष्ट्र बचाओ आंदोलन में आई हैं, जुड़ी हैं? एक बहुत अहम पहलू है कि जो हमारा भारत जो बटा हुआ है जातिवाद में, कई जातियों में बटा हुआ है, जिसके लिए अगर हम देखें तो हमारे समाज के लोग भी कंफ्यूज रहते हैं कि हमें आखिर चलना किस ओर है, किस चीज़ को हमें करना है, किस चीज़ को हमें नहीं करना है, क्या उचित है क्या अनुचित है। तो उस चीज़ में अगर हम एक राष्ट्र
बचाओ आंदोलन की भावना को लेकर के चलते हैं, तो एक तो ये जातिवाद खत्म होगी, दूसरा हमारे समाज में बच्चों के लिए जो शिक्षा की जो रणनीति है वो अगर एक गुरुशाला के माध्यम से अगर तय होती है तो सारे बच्चों को कम श्रम क्रम अर्थ दंड के रूप में, या हम यूँ कहें कि कम फीस में, या यूँ कहें कि बिना फीस के ही फ्री में निःशुल्क उन लोगों को, उन लोगों की अच्छी शिक्षा व्यवस्था तैयार हो सकती है। और ये दोनों ही चीज़ अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण रखता है। इसके अलावा बाकी तो गुरुजी ने सब चीज़ बताया। राष्ट्र बचाव आंदोलन झारखंड प्रदेश के संरक्षक हमारे श्री जयप्रकाश वर्मा जी, पूर्व विधायक गांडे, इस प्रदेश के मार्गदर्शक और साथ में संयोजक श्री संजीव कुमार चौधरी जी होंगे। विशेष सलाहकार हमारे श्री कांत कुमार जी होंगे, श्री ललन कुमार सिंह जी होंगे, साथ में निःशुल्क कोचिंग सेंटर हमारे जो प्रदेश में चलेगा उसके वो विशेष प्रमुख भी होंगे। श्री रणधीर कुमार जी उर्मान जी विशेष सलाहकार होंगे, साथ में हमारे इस प्रदेश के संगठन मंत्री श्री अर्जुन सिंह जी बोकारो से होंगे, इस प्रदेश की महिला विंग की प्रदेश अध्यक्ष श्रीमती अंकिता श्री जी होंगी, प्रदेश महासचिव श्रीमती कृति गौरव रामगढ़ से होंगी, उपाध्यक्ष प्रदेश की श्रीमती लोकृति गुप्ता और श्री संजय पंडित साहिबगंज से होंगे, महासचिव श्री छोटेलाल यादव जी बगोदर से होंगे, साथ में श्री ललन कुमार सिंह जी भी होंगे। साथ में इससे रांची जिला का जो टीम है उसमें अध्यक्ष श्री शैलेंद्र सिंह जी होंगे, महासचिव श्री अमित सिंह जी होंगे, सचिव श्रीमती श्वेता कुमारी जी होंगी और श्रीमती सुप्रिया सिंह जी होंगी और रांची जिला का ग्रामीण अध्यक्ष श्री कृष्णा राम मिठा जी होंगे, देवघर के जिलाध्यक्ष उमा शंकर पंडित जी होंगे, साहेबगंज के श्री संतोष आनंद जी होंगे, चतरा जिला के अध्यक्ष श्री विकेश कुमार सिंह जी होंगे और रांची महानगर के अध्यक्ष श्री शैलेंद्र सिंह जी होंगे। साथ में इस प्रदेश की प्रदेश प्रवक्ता साथ साथ गुरुकुल प्रमुख हमारे श्री विपिन सिंह जी होंगे, कोर कमेटी में हमारे श्री विपिन सिंह जी और श्री इंद्र देवलाल जी होंगे, युवा मंडल प्रमुख श्री कुंदन सिंह जी होंगे और प्रदेश प्रचार प्रभारी आईटी सेल को जो देखेंगे उससे श्री सुरजीत दीवान जी होंगे। इतना अब देख सकते हैं राष्ट्र बचाओ आंदोलन काफ़ी चीज़ों पर भरा पड़ा है और इसमें कई सारी चुनौतियां सामने आएगी, लेकिन चुनौतियों को सामना करते हुए किस तरीके से जो हमारे बाबा हैं और जितने भी इसमें कार्यकर्ता जुड़े हुए हैं, मैं रिक्वेस्ट करूँगी कैमरा मैन से कि वो सारे कार्यकर्ताओं को दिखाएं और जितने भी कार्यकर्ता जुड़े हुए हैं सभी मिलकर आगे कार्य करेंगे और राष्ट्र को बचाने के लिए आंदोलन करेंगे। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहे एशिया न्यूज़ इंडिया रांची। तम सहतेगा हिंदु जगे तो विश्व जगेगा, हिंदू जगे तो विश्व जगेगा, उसी बात में हिंदू जगे तो विश्व जगेगा, हिंदू जगे तो विश्व जगेगा, मानव का विश्वास जगेगा, मानव का विश्वास जगेगा, हिंदू सदा से विश्व बंधु है, हिंदू सदा से विश्व बंधु है, जड़ चेतन अपना माना है, जड़ चेतन अपना माना है, हिंदू सदा से विश्व बंधु है, हिंदू सदा से विश्व बंधु है, जड़ चेतन अपना माना है, जड़ चेतन अपना माना है, मानव पशुतर गिर सरिता में, मानव पशुतर गिर सरिता में, एक ब्रह्म को पहचाना है, एक ब्रह्म को पहचाना है, जो चाहे जिस पथ से आए, जो चाहे जिस पथ से आए,
साधक केंद्र बिंदु पहुँचेगा, साधक केंद्र बिंदु पहुँचेगा। हिंदू जगे तो विश्व जगेगा, हिंदू जगे तो विश्व जगेगा। मानव का विश्वास जगेगा, मानव का विश्वास जगेगा। इसी सत्य को विविध पक्ष ने, इसी सत्य को विविध पक्ष ने वेदों में हमने गाया था, वेदों में हमने गाया था। निकट बिठा कर इसी तत्व को, निकट बिठा कर इसी तत्व को उपनिषदों में समझाया था, उपनिषद में समझाया था। मंदिर मठ गुरुद्वारे जाकर, मंदिर मठ गुरुद्वारे जाकर यही ज्ञान सत्संग मिलेगा, यही ज्ञान सत्संग मिलेगा। हिंदू धर्म वह सिंधु अटल है, हिंदू धर्म वह सिंधु अटल है। जिसमें सब धारा मिलती है, जिसमें सब धारा मिलती है। धर्म अर्थ और काम मोक्ष की, धर्म अर्थ और काम मोक्ष की। हिरने लहर लहर खिलती है, हिरने लहर लहर खिलती है। इसी पूर्ण में पूर्ण जगत का, इसी पूर्ण में पूर्ण जगत का। जीवन मधु संपूर्ण फलेगा, जीवन मधु संपूर्ण फलेगा। इस पावन हिंदुत्व सुधा के, इस पावन हिंदुत्व सुधा के रक्षा प्राणों से करनी है, रक्षा प्राणों से करनी है। जग को आर्य सेल की शिक्षा, जग को आर्य सेल की शिक्षा। निज जीवन से सिखलानी है, निज जीवन से सिखलानी है। द्वेष त्वेष भय सभी हटाने, सभी हटाने। पांच जन्य फिर से गूंजेगा, पांच जन्य फिर से गूंजेगा। हिंदू जगे तो विश्व जगेगा, हिंदू जगे तो विश्व जगेगा। मानव का विश्वास जगेगा, मानव का विश्वास जगेगा। भेद भावना तमस हटेगा, भेद भावना तमस हटेगा। समरसतायमृत बरसेगा, समरसतायमृत बरसेगा। हिंदू जगे तो विश्व जगेगा, हिंदू जगे तो विश्व जगेगा। मानव का विश्वास जगेगा, मानव का विश्वास जगेगा। मानव का विश्वास जगेगा, मानव का विश्वास जगेगा। हिंदू जगेगा, हिंदू जगेगा, हिंदू जगेगा, हिंदू जगेगा, हिंदू जगेगा, हिंदू जगेगा। भारत माता की जय, भारत माता की जय।